दोस्तों ये खबर तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि मुंबई सागा 19 मार्च को सिनेमा घर में रिलीज हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया मुंबई सागा का सीधा सीधा मुकाबला बॉलीवुड की आने वाली एक फिल्म से होने वाला है जिसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया जा चुका है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कौन सी है ये फिल्म और कैसा है इस फिल्म का ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है अर्जुन कपूर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि संदीप और पिंकी फरार से, जिसे बनाया है यशराज फिल्म्स ने। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि यशराज फिल्म्स ने जब अपनी आने वाली 5 फिल्मों की घोषणा की थी तो भैया उस लिस्ट में जो पहला नाम था वो नाम था संदीप और पिंकी फरार का। और भाई फाइनली अब संदीप और पिंकी फरार का ट्रेलर हम लोगों के सामने आ गया है और भाई फिल्म का ट्रेलर बहुत ही यूनिक लग रहा है और भाई फिल्म में काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है। तो भैया कैसा है इस फिल्म का ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिवाकर बनर्जी ने और इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा, जयदीप अहलावत, रघुवीर यादव जैसे कलाकार। तो दोस्तों कलाकारों की तो लिस्ट अच्छी है और भाई फिल्म का ट्रेलर भी बहुत ही यूनिक लग रहा है। वैसे आपको बता दूं कि भैया दिवाकर बनर्जी की फिल्मों की एक खासियत है कि वो अपनी फिल्मों में ट्विस्ट एंड टर्न जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखते हैं। यानी कि भैया उनकी कहानी हमें देखने में भले ही सपाट लगे लेकिन उनकी कहानी में भैया आपको फलक्रम बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको चौंका देंगे। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है लेकिन अगर मैं कहानी की बात करूं तो भैया कहानी बहुत ही सपाट नजर आ रही है। यानी कि परिणीति चोपड़ा का पीछा कर रहे हैं कुछ लोग जो कि भैया उनको मारना चाहते हैं और भैया उनको बचाते नजर आ रहे हैं कौन, तो भैया संदीप यानी कि पिंकी को बचाते नजर आ रहे हैं संदीप, ऐसा लगता है पिंकी को। लेकिन भैया ट्रेलर में यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई संदीप उन्हें बचा नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें फंसा रहे हैं। यानी भी अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें एक बात आपको समझ में आएगी कि भैया संदीप जो है वो एक अंडर कवर पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि भैया पिंकी को इंडिया से बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे हैं, यानी कि वो उनको नेपाल के रास्ते से देश से बाहर निकालना चाहते हैं। और भाई इसी बीच में ट्रेलर में हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि भाई जयदीप अहलावत उनको बोलते हैं कि भाई मार दे उसे। यानी कि कहानी जो है वो बहुत ही घुमावदार है लेकिन ट्रेलर में कहानी बहुत ही सपाट समझ में आ रही है। लेकिन भाई एक ईमानदारी से मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा कि भैया दिवाकर बनर्जी की फिल्मों की एक खासियत होती है कि भैया उनकी कहानी बहुत सीधी और सपाट नजर आती है लेकिन जब आप उनकी फिल्म को देखने जाओगे तो आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आ गया है इस बात की जानकारी लेकर कि भैया ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है और भाई इस फिल्म का सीधा मुकाबला जॉन अब्राहम की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि मुंबई सागा से होने वाला है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या मुंबई सागा का मुकाबला कर पाएगी संदीप और पिंकी फरार, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।